अच्छा, अगर आपने मक्का बस लेनी है मस्जिद आयशा जाने के लिए, फ्री सर्विस जो होती है, तो ये आपको एक बोर्ड नज़र आएगा सापको का। सापको वालों का ये ऑफिस है। ये जब आप मस्जिद हरम से निकलेंगे, हरम शरीफ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते सार अजद रोड है, किसी से भी पूछ लेंगे अजद रोड कौन सा है, वहाँ से आप सीधा आएंगे। ये आपको इस तरह की जालियाँ नज़र आएंगी जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो होटल्स की जो शटल सर्विसेज हैं वो उनको ड्रॉप करती हैं शटल सर्विसेज। ये निशानी याद रखिएगा। और ये सापको का आपके राइट हैंड पे सापको का ऑफिस भी आएगा। ये जालियाँ राइट हैंड पे आपकी आ रही होंगी, यानी आपके पीछे जो है आप अगर आप बैक पे देखेंगे पीछे आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। और ये अजद रोड है, इस रोड पे आप सीधा सीधा आएंगे, 5 से 7 मिनट तक वॉक करेंगे, आपके राइट हैंड पे आपको बस का स्टॉप नज़र आ जाएगा जो कि आपको मस्जिद आयशा लेके जाती है गाड़ी फ्री में जी। हम तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह पैदल चलें, उसके बाद जो है हम इस स्टॉप पे आ गए हैं। इसका बसेस का स्टॉप आप देख लें, इस तरह का कुछ दिखता है, वाइट कलर के बड़े से ग्रिल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो इस पॉइंट पे जो गाड़ी खड़ी होगी ये मस्जिद आयशा जा रही है, इस पॉइंट पे जो गाड़ी खड़ी होगी ये मस्जिद आयशा से वापस आ रही है। तो ये आपको गाड़ी, आपको 2 नंबर बस या फिर 12 नंबर बस पकड़नी है। देखें जी, 12 नंबर बस आ रही है, 2 नंबर और 12 नंबर बस ये जाती है। ये जी मक्का बस जो है, जो फ्री सर्विस है, इसने हमें तकरीबन 13 मिनट के अंदर जो है मस्जिद आयशा पहुंचा दिया है। ये मस्जिद आयशा के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये हमें बिल्कुल इस तरफ छोड़ेगा। वापसी के लिए हमें यहाँ पे आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, वापसी के लिए हमें ये ब्रिज क्रॉस करके उसके दूसरी साइड जाना होगा, और वहाँ पे ये बसेस खड़ी हुई होंगी। ये देखें, ये मस्जिद आयशा आ गई हमारे राइट हैंड पे। यहाँ पर मस्जिद आयशा के बिल्कुल गेट पर ही उतार देगा हमें, और ये आपको आगे ब्रिज नज़र आ रहा है ऊपर। अब वापसी जब हमें जाना होगा तो हमें ब्रिज क्रॉस करके और सबसे ज़्यादा ये इसका स्टॉप है। ये जी मस्जिद आयशा हमको इसने उतार दिया है। ये देखें जी मस्जिद आयशा, और ये इस बस ने तकरीबन टोटल जो है फ्री सर्विस है, और टोटल इसने 13 मिनट्स के अंदर हमें यहाँ पहुँचाया है अपने स्टॉप से। और इसका स्टॉप जो है वो हरम के काफ़ी पास है, क्लॉक टावर के सामने अजद रोड जो है उस रोड पे इनका स्टॉप है, वो मैंने डिटेल में बता दिया आपको। तो ये सर्विस आप यूज़ करें। वापस जब आप जाएंगे तो इस ब्रिज से चढ़ के क्रॉस करेंगे, उस तरफ भी इसी तरह की बसेस खड़ी होंगी। 2 ही बसेस जाती हैं हरम शरीफ की तरफ और आपको पिक करती हैं ड्रॉप, बाकी बहुत सारी बसेज हैं। 2 बसेज, बस नंबर 2 जिसमें हम आएँ और बस नंबर 12 हैं, ये 2 बसेज जाती हैं बस। तो मस्जिद आयशा बेसिकली मीकात है। अगर आपको एक उम्रा करने के बाद दोबारा दूसरा उम्रा करना हो तो फिर आपको मस्जिद आयशा आकर यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने होते हैं। ये छोटी मीकात है, सबसे छोटी मीकात है मस्जिद आयशा। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और मस्जिद आयशा में आकर हमने 2 रकात नफल अदा कर लिए हैं अपने 4थे उम्रे के लिए। अल्लाह पाक ये उम्रा करने की हमें कुव्वत दे, ताकत दे, और ये उम्रा करना हमारे लिए आसान फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी हाजी यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं, अल्लाह पाक उन तमाम के उम्रे कबूल फरमाए और तमाम के उम्रे में आसानी फरमाए। खूबसूरत मस्जिद इंतहाई है। मस्जिद आयशा येरी, और मस्जिद आयशा से वापस आने के लिए अगर मक्का बस का इस्तेमाल करना है आपने, तो ये एक ब्रिज सा बना हुआ है, इससे आपने रोड क्रॉस करके दूसरी जानेब आना है। और जैसे ही आप ये ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगी बसेस इस तरह की खड़ी हुई है, ये नज़र आ रही होगी। ये फ्री बसेस हैं, वरना यहाँ से आपसे एक बंदे से 5-10 रियाल लेते हैं।